पत्र आदि से मढ़ा हुआ रथ था, तो उसको देख करके गोपियां आपस में बात करने लगी। कस्य अयमिति, हे सखी रथ किसका है, रथ किसका है। ऐसा रथ पहले ब्रजवासियों ने देखा था जो अक्रूर जी आए थे कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए। तो एक ही व्यक्ति, मान लीजिए एक गांव में एक ही व्यक्ति कोई कार लेकर के गया हो, तो दूसरी बार देखेगा और लगभग आकार एक समान रहेगा तो सोचेगा वही आ गया है, पहले आया था इस कार से। पहले तो पूछिए आपस में किसका रथ है, किसका रथ है। किसी को पता नहीं था कि किसका रथ है, कहाँ से आया है। तो सबसे पहले यही बात ली, अक्रूर आगत क्यों, कहीं अक्रूर तो नहीं आ गया फिर से। अक्रूर रथ पर चढ़ करके आया था और वैसा ही रथ यह था। तो अक्रूर आगत क्यों, क्या अक्रूर आया है। यह कंसस्य अर्थ साधक, पक्का कंस का मतलब साधने वाला वो है। कंस जो कहता था वही करता है, करता था। कंसस्य अर्थ साधक, कंस का प्रयोजन पूरा करने वाला, साधने वाला। क्या अक्रूर आ गया, अक्रूर के प्रति घृणा हो रही है। जैन नीतो जदुपुरीन मधुपुरीन कृष्ण कमल लोचन, जिसने हमारे परम प्रियतम परम सुंदर श्याम सुंदर को रथ पर चढ़ा करके ले गया, जिसने मथुरा पहुंचाया। जैन नीतो मधुपुरी, और मधुपुरी कह करके ये भाव कह रहे हैं कि वो मधुपुरी है, मधु दैत्य वहां रहता था। कंस कहने के लिए जादव है केवल नाम मात्र के लिए, लेकिन वास्तव में यह अभी राक्षस है कंस। तो कंसपुरी में मधुपुरी में ले गया। यदि मधुपुरी का अर्थ यह किया जाए कि मधुवंशियों का नगर, तो इसमें कोई घृणा पैदा नहीं हो रही, लेकिन मधु दैत्य का नगर ये है मथुरा, मधु दैत्य का नगर है, जैसे खराब जगह, वहां ले गया हमारे प्रियतम श्याम सुंदर। कृष्ण कमल लोचन, परम सुंदर श्री कृष्ण को ले गया मथुरा, आया था ले गया, वही आया। क्या केवल रथ से ये अनुमान कर रहे हैं, वास्तव में इस बार तो उद्धव जी आए हैं उस रथ से। उस समय वहां नहीं थे, रथ के पास वे नहीं थे, इसलिए शंका हो रही है अक्रूर आया क्या। कंस का अर्थ तो पूरा कर दिया, ले गया श्याम सुंदर को, बलराम जी को, अब क्या करेगा। अपने स्वामी को कंस को तो मरवा दिया, ये नहीं कह रहे कृष्ण ने मारा, कृष्ण में कहाँ आ सकती हो, कमल लोचन इतने सुकुमार हैं वो कैसे मारेंगे। पर जो भी हो, कृष्ण का केवल नाम हुआ, भगवान ने उसको मारा, कंस को मारा, भगवान नारायण ने मारा, हमारे प्रियतम में शक्ति आप दे दिए और मर गया, मार गया। तो अब क्या करेगा, अब क्यों आया। तो किसी गोपी ने कहा, अब आया है हमको ले जाने के लिए, हमारा मांस ले जाने के लिए, और कंस का पिंडदान करेगा। कंस तो मर गया, तब यहाँ आया है क्या हम लोगों को ले जाने के लिए।
हमारा प्राण तो ले ही गया, श्याम सुंदर को ले गया। अब क्या हम लोगों के मांस से कंस का प्रेत कर्म करेगा, पिंडदान करेगा और कंस के ऋण से मुक्त होगा? आया क्यों यहाँ पर? और आया तो खाली रथ क्यों लाया? क्यों नहीं कृष्ण को बैठा करके लाया? जैसे ले गया था ये निर्लज, वैसे फिर ले करके क्यों नहीं आया? ये कैसे पता है कि कृष्ण नहीं आए हैं? कृष्ण हो सकता है उतर करके अपने माता पिता के यहाँ गए होंगे। गोपियों को विश्वास है ऐसा हो ही नहीं सकता। कृष्ण यहाँ आते तो सबसे पहले हमसे भेंट करते, इतना विश्वास है। भाई कृष्ण नहीं आए हैं, इतना फाइनल समझ लिया। तो क्यों आया खाली रथ लेकर के? क्यों आया है? एक बार तो कंस का वध करवा दिया, मार दिया, तब मरने के बाद अब और दैहिक क्रिया होती है, तो काम क्रिया कराने के लिए आया है क्या? अब यही काम बाकी रहा ना। उसमें लिखा गया टीका में कि दूसरी सभी कहते अब आया है कि कंस को पिंड दान कराने के लिए। पिंड दान कैसे करेगा? जल से या अन्न से नहीं, अब हमारा मांस देगा। मांस का मतलब जो भी जी रही हैं अब खत्म करने आया। जो ले जाना था तो ले गया, अब जीने देगा कि नहीं यह भाव है। अब जीने देगा कि नहीं, और क्या उपद्रव करेगा कुछ पता नहीं। इस तरह से चिंता में थे। और तब तक तो स्त्रियां इस तरह से जब बोल रही थी गोपियां, उसी समय श्री उद्धव जी पावन सरोवर में स्नान आदि करके आए। कृताहनी का जो आहनिक कर्म होता है, संध्या वंदन आदि करके फ्रेश हो करके आए। आए तो गोपियों ने देखा, उद्धव जी गोपियों को नहीं देखे, गोपियां उनको देखी। बहुत सुंदर पुरुष, श्री कृष्ण जैसा वेशभूषा धारण किया है और वो आया। तम वीक्ष्य कृष्णान चरण ब्रज स्त्रियः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तम वीक्ष्य, उद्धव जी को इन लोगों ने देखा। ये उद्धव जी, ये सुखदेव गोस्वामी का वाक है। कृष्णानुचरम, कृष्ण के अनुचर, कृष्ण के पीछे पीछे चलने वाले, कृष्ण के सेवक उद्धव जी को ब्रज स्त्रियों ने देखा, ब्रज की स्त्रियों ने देखा। इनका ये, इसका ये भाव है कि भगवान की जो प्रेयसियाँ हैं श्री राधा रानी आदि, इन्होंने देखा। यद्यपि राधा रानी नंदगांव नहीं रहती थी, वे जावट में रहती थी अपने ससुराल, जावट थोड़ा ही दूर है नंदगांव से, जावट में रहती थी। पर ये भी आ गई थी, ऐसा पहले कहा गया कि ये श्री गोपियाँ एक जगह मिलती थी और कृष्ण के विषय में ही बात करती थी कि आ जाएंगे, कल आएंगे, उनके गुणों का वर्णन करते। तो उस समय लगभग हो चुका था जब राधा रानी आती थी और सब सखियाँ उससे गांव से पार करके नंदगांव से हो करके, और वे उद्धव क्यारी बन था पहले, वहाँ वो बातचीत किया करते थे। तो जब आई तो उन्होंने देखा, प्रलंब बाहु आजान लंबित भुजा है, घुटने से और नीचे भुजा, ये घुटने तक भुजा है, बहुत लंबी बाहें हैं, नवकंज लोचना और नए कमल के समान नेत्र है, पीतांबरम
पीतांबर पहने हुए हैं उद्धव जी, पुष्कर मालिनम और पुष्कर की माला लगाए हैं। पुष्कर मतलब कमल, कमल की माला धारण किए। जिस समय उद्धव जी मथुरा के लिए आ रहे थे तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ही अपने गले से निकाल करके इनको माला पहनाए थे, वही माला पहन करके आए हैं ब्रज में। और भगवान का प्रसादी, भगवान की प्रसादी माला है, इसलिए स्नान करने के बाद भी वे उसी को धारण किए। भगवान की प्रसादी माला कभी बासी नहीं होती है, उसको कई बार धारण किया जा सकता है, उसी को धारण किए थे। उनका मुख कमल के समान प्रफुल्लित था, परम सुंदर थे। मणिमृष्ट कुंडलम, और मणियों का कुंडल था और बहुत स्वच्छ किया हुआ चमचम चमक रहा था कुंडल कान में। भगवान जो पहनते हैं वही आभूषण पहनते हैं, भगवान का प्रसाद। कभी भी भूल करके भी अपने लिए नया कपड़ा नहीं खरीदे होंगे। कृष्ण जिसको पहनते हैं तो नित्य नया रहता है, उसी को वस्त्र और भूषण, वस्त्र भूषण धारण किए। गोपियों ने देखा, वह देखते ही थोड़ा सा निकट आई एकांत स्थान। गोपियाँ, वास्तविक बात है कि भगवान ने बताया था कि आप इस समय जब जाएंगे तो श्री गोपियाँ इस स्थान पर मिलेंगी। मेरे गांव से, नंदगांव से लगभग पूरब में मिलेंगे, पूरब दक्षिण के कोने पर, पूरब भगवान ने बताया था। इसलिए उद्धव जी स्वयं ही आए, नंद बाबा से मिल ही चुके थे, यशोदा जी से मिल चुके थे, और उनका शोक तो ये पूरा दूर कर ही दिए थे, शोक दूर हुआ नहीं। अब रही श्री गोपियाँ, भगवान ने कहा था कि गोपीजनों से मिलना और ये संदेश कहना, तो किस स्थान पर मिलूँगा? तो एक रहह, एक एकांत जगह था जहाँ दूसरे लोग नहीं जाते थे, उस वन में गोपियाँ जाती थी, तो उस वन में उद्धव जी गए। गोपियों ने नहीं बुलाया उनको, उनको तो जानकारी ही नहीं थी कि उद्धव जी आए, लेकिन उद्धव जी को जानकारी है कि यहाँ इस टाइम गोपियाँ बैठती हैं, आती हैं, बात करती हैं, तभी आए। इतिस्म सर्वा परिबब्र रुत चुका है, इस तरह से बोलती हुई कि कौन है, कृष्ण जैसा वेशभूषा धारण किया है, कुतश्चय कहाँ से आया है, कस्य अच्युत वेशभूषण, किसका व्यक्ति है यह, किसका सेवक है, किसका पुत्र है, कौन है, और क्यों अच्युत जैसा वेशभूषण धारण किया है, श्री कृष्ण जैसा क्यों धारण किया है। इति स्म, यह बोल करके, यह चर्चा करके वे आई और चारों तरफ से उद्धव जी के आसपास उपस्थित हो गए। उद्धव जी उस समय खड़े थे, अभी अभी आए ही थे, उसमें उत्सुक, बड़ी उत्सुक थी श्री कृष्ण के विषय में कुछ सुनने के लिए, जानने के लिए। तो वेशभूषा देख करके वे समझ गए कि अच्युत से, श्री कृष्ण से इनका संबंध जरूर है। तब तो श्री कृष्ण अपना मुकुट दिए हैं, कुंडल दिए हैं, अपना वस्त्र दिए हैं। तमुत्तम श्लोक पदाम बुजाश्रय, सुखदेव जी कहते हैं कि उनको घेर लिया। और उद्धव जी वास्तव में क्या है, उत्तम श्लोक के चरण कमलों के आश्रय में रहते हैं, अथवा उत्तम श्लोक के चरण कमल के जो आश्रय है। भगवान श्री कृष्ण जब लेटते थे कभी, तो उद्धव जी तकिया के रूप में, पैर की तकिया के रूप में भगवान के चरण कमल को अपने वक्षस्थल पर रख लेते थे, पाद संवाहन करते थे, तो इसीलिए उनको उत्तम श्लोक पदाम्बुज आश्रयम कहा गया है। श्री कृष्ण के आश्रय में ये हैं, एक अर्थ तो ये भी है, लेकिन श्री कृष्ण के चरण कमलों के ये आश्रय हैं,
जब कोई व्यक्ति कभी सोता है तो आपने देखा होगा पैर के पास भी तकिया रखता है। तो ये भगवान के पैर के तकिया है उद्धव जी, उनको देखा, उनको परिबब्रूह, परिबब्रूह का अर्थ है घेर लिया। गोपियों के बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुचिस्मिता, इनके मुख पर आनंद की मुस्कान आ गई है। जो प्रियतम से संबंधित कोई व्यक्ति आया है उनका वेशभूषण धारण करके, तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई। उस महाविरह के दुख में भी प्रियतम से संबंधित व्यक्ति के बारे में कुछ जानकर बहुत खुशी हुई। पूछती थी केव अचुर जैसा वेशभूषण बनाया, और ये कहती हुई उनके चारों तरफ से आ गए। इसके बाद उद्धव जी को श्री गोपियों ने आसन दिया, जो भी आसन रहा होगा। प्रियतम के दूत हैं तो आतिथ्य किया, आसन दिया सबसे पहले, आसन दिया और उनके आसपास खड़ी हुई बैठी। तो तम प्रश्रेणावनता सुसत्कृतम, उद्धव जी का सुंदर सत्कार किया। क्या सत्कार किया? सब्रीड हास्य क्षण सुंदरता भी है, सब्रीड लज्जा हास निरीक्षण और मधुर वर्षण आदि के द्वारा। ब्रीड़ा लज्जा स्त्रियों में स्वाभाविक होते हैं, उद्धव जी को देख करके उनके पास रह करके सबसे पहले अपना मुख नीचा करके और अपने वस्त्र को घूंघट को थोड़ा सा और बढ़ाया, इसको लज्जा कहते हैं। वो डायरेक्ट नहीं देखना और घूंघट को कुछ बढ़ा लेना, मुख ढक लेना, इसको लज्जा कहना है। और हास जब ये पता चला कि ये हमारे प्रियतम के सखा हैं तो कुछ हंस रहे थे। हंस असल में आनंद आ रहा था कि ये हमारे प्रियतम के दूत हैं, तो इसलिए हंसी आ रहे थे, हंस रहे थे। मुस्कान इसको कहते हैं। हाँ, हंसने का अर्थ होता है जिसमें दांत दिखाई पड़े, और दांत न दिखाई पड़े तो उसको मुस्कान कहते हैं, है ना। एक स्वागत है किसी अतिथि के आने पर, हास्य चेहरे पर होना चाहिए, नहीं कोई आया और गिरा लिया मुंह के। गोपियों के मुख पर सुख की मुस्कान, सुचिस्मिता ऊपर कहा गया था, तो यहाँ भी हास वो मुस्कान के लिए ही है। हास और हास के बाद तब जब सखा है श्याम सुंदर के, तब इच्छा सामने देखना प्रारंभ किया, पूरा अवलोकन। ऐसे बाद सुंदर भाषण, सुंदर वचन, सुनृत मधुर वचन बोलना प्रारंभ किया। स्वागत में मधुर वचन बोलना बहुत अच्छा स्वागत है, ठीक है आप आए, अच्छा कि समाचार पूछना, कुशल पूछना। उस समय उद्धव जी रहसी एकांत में आसने उपविष्ट बैठे थे, तो उनसे रहसी अपृच्छन एकांत में श्री गोपियां पूछने लगी। विज्ञाय संदेश हरम रमापते, रमापति का संदेश लेकर के आए हैं। रमा माने
राधा रानी या लक्ष्मीपति भगवान का संदेश लेकर के आए हैं यह जान करके श्री गोपियाँ पूछने लगीं। यह रमापति शब्द जो है ये लक्ष्मीपति का वाचक है, तो ये सुखदेव गोस्वामी की एक असूया उक्ति भी है। सुखदेव गोस्वामी गोपियों के पक्षपाती हैं, तो ये व्यंग है कि लक्ष्मीपति के दूत बनकर के आए हैं, क्या जरूरत है इनकी यहाँ। रमापति का श्लेष अर्थ है, ऐसे रमापति का अर्थ है राधा रानी के प्रिय रमा, असली रमा यही है, मूल रमा है। तो जब पता चला कि श्याम सुंदर के सखा हैं और सखा ही केवल नहीं है, संदेश लेकर के आए हैं, संदेश हरम, खबर लेकर के आए, तो वे बोलने लगी। पूछा नहीं कि आप कहाँ से आए हैं, क्या है, अपने आप कहते हैं जानी माँ, हम जानती हैं। देखिए गोपियों का वाम भाव भगवान कृष्ण के प्रति, जानी मस्ताम, हम आपको जानती हैं, जदुपते पार्षदम, जदुपति के पार्षद हैं आप, मधुपति नहीं कह रहे, जदुपति या गोपपति नहीं कह रहे हैं, हम जानते हैं आप जदुपति इस समय जादुओं के जो नायक बने हैं, मथुरा के सिंहासन पर हैं, उनके दूत हैं आप, ब्रजपते भी कह सकती थी लेकिन ब्रजपति नहीं कह, उनके पार्षद हैं और उनके भेजे हुए आए हैं आप, उन्होंने भेजा है। समुपागतम, सम्यक रूप से आए हैं, खूब सवारी करके रथ पर चढ़ करके आए हैं, ये भी पता हो गया है। समुपागतम, सम्यक उपागतम, जब श्याम सुंदर राजा बन गए हैं तो राजा रथ से आपको भेजे हैं, एक पता चल गया है, जानी मह। और भर्तरा इह प्रेषित, अपने स्वामी जदुपति के द्वारा भेजे हुए आप आए हैं, किस लिए आए हैं, पित्रोह प्रिय चिकित्सा, अपने माता पिता का प्रिय करने के लिए भेजे हैं आपको, मतलब हम लोगों को तो उनका उनको स्मरण ही नहीं आया होगा, हम लोगों का स्मरण नहीं आया होगा कभी, वो भी हैं गोपियाँ भी ब्रज हैं, ये तो उनको याद नहीं आई होगी, भेजे हैं जानते हैं, माता पिता के लिए भेजे हैं। अरे भी पता लग गया है कि हम लोगों के आप शाम को ही आए और उनके माता पिता से मिले हैं, ठीक है, वो भी उनका प्रिय करने के लिए, प्रिय करने के लिए भेजे हैं, न कि उनसे प्रेम करते हैं, प्रेम नहीं है, वो तो इसलिए भेज दिए अपनी इज्जत बचाने के लिए कि नंद जसोदा रोते रोते मर जाएंगे तो मुझ पर बड़ा कलंक आएगा, इसीलिए कि जीवित रहे किसी तरह से एक बार भेज दिए आपको, प्रेम नहीं है नंद जसोदा से उनको, प्रेम होता तो अब भेजते, कितना रोए हैं नंद बाबा, कितना जसोदा रोई हैं, इतने दिन के बाद भेजे हैं, तो केवल इसीलिए ना कि भाई ये मर ना जाए, रोते रोते मर ना जाए, जीवित रहें, नहीं तो हल्ला होगा ना कि कृष्ण जैसा नालायक बेटा कोई नहीं, माता पिता मर गए रोते रोते नहीं आया, तो भेजे हैं आपको इसीलिए कि नंद जसोदा जीवित रहे, अपनी इज्जत बचाने के लिए भेजे हैं, न कि नंद जसोदा से उनका प्रेम है, हम लोगों ने देख लिया समझ लिया पूरा पूरा कृष्ण को। अरे कि अभी बात कह रहे हैं कि जब
हमारे पास तो हमको हमारा तो स्मरण नहीं आया होगा निश्चित। अगर आया होता तो हम लोगों से भेंट करने के लिए कहते ना, क्यों याद करेंगे, क्या जरूरत। कोई सखी कहती है तुम क्यों ऐसी आशा करते हो कि हमारी याद करेंगे। अरे अब वो बड़े राजा हो गए, अब बात करेंगे, पटना दिल्ली पहुंच गए, अब गांव की बात करेंगे, अब उनका पोजीशन देखो क्या हो गए। अभी ऐसा मत करो कि आएंगे बांसुरी बजाएंगे और रास करेंगे, ये तो नाम ही मत लो, अपने आप ये सब चालू कर दे। अभी उद्धव जी चुपचाप कुछ कहने के लिए रुके थे, तब तक इस प्रसंग को मैं रत्नाकर जी के शब्दों में कुछ कहना चाहता हूँ। पहले मैं वहीं से चालू करता हूँ, जब उद्धव जी चले, इसमें कथा बिगड़ती नहीं है, जब उद्धव जी चले मथुरा से गोपियों से मिलने के लिए, संदेश देने के लिए, मुख्य तो गोपियाँ ही थीं, तो रत्नाकर जी लिखते हैं, प्रेम भरी कातरता कान्ह की प्रकट होत। ये किसी पृष्ठ पर नहीं है, गोपी कृष्ण की ये कातरता अपने माता पिता के लिए और गोपियों के लिए, क्योंकि मैं मथुरा में नहीं रहूँगा, मैं उब चुका हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन हे मित्र तब तक तुम जा करके खबर दो उनको कि मैं आऊँगा। उद्धव अघाई रहे ज्ञान ध्यान सर, भगवान कृष्ण विकल हो गए थे वृंदावन जाने के लिए ब्रज में, तो उद्धव जी तो चकित हो गए कि आए मथुरा पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, दुष्टों के वध के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, और अभी जाना चाहते हैं। तो उद्धव जी चकित हो गए, कहे रत्नाकर धरा की धीर धूर भयो। रत्नाकर कभी कहते हैं कि पृथ्वी का धैर्य तो धूर हो गया, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लिए हैं और अब पुनः वृंदावन में जा करके गोचारण या दास विहार आदि करना चाहते हैं, तो पृथ्वी का जो धैर्य था इस पर इतने असुर बढ़ गए थे, लोड बढ़ गया था, पृथ्वी का धैर्य तो धूर हो गया, मतलब खत्म हो गया एकदम, पृथ्वी घबराने लगी कि हाँ आए हाँ, भगवान अवतार लिए मेरा दुख दूर करने के लिए, लेकिन मुझ पर तो वही लोड रह जाएगा पापियों का, धैर्य खत्म हो गया पृथ्वी का। सूर 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 राज शुद्ध स्वार्थ स्वभाव सने संशय समाये धाय धाम विधि हर। और जितने देवता हैं तो अपने स्वार्थ में रहते हैं, यही देख रहे थे भगवान आएंगे हमारे विरुद्ध रहने वाले दैत्यों का वध करेंगे, लेकिन देवता सब मीटिंग करने लगे, घबरा गए कि अब क्या करें अब क्या करें, तो ब्रह्मा जी के पास दौड़े सब लोग। जब ही भगवान ये इच्छा व्यक्त किए कि मैं ब्रज में जाना चाहता हूँ, तो देवता सब भगवान शिव के पास ब्रह्मा जी के पास भागे कि वे लोग कृष्ण को रोकें, कोई उपाय करें, मथुरा में रहने दें, यहाँ से युद्ध चालू होगा जरासंध आदि से और बहुत दायित्वों का वध होगा, पृथ्वी का भार दूर होगा, तो इसके लिए वे दौड़े, अब क्या करें, दूसरा उपाय क्या था। वे ब्रह्मा जी के पास दौड़े, देवता लोग दौड़े मतलब विमान से गए जल्दी जल्दी और शिव जी के पास गए। सूर सूर राज शुद्ध स्वार्थ स्वभाव समय संशय समाये धाय धाम विधि हर के। आई फिरी ओप बाम बाम ब्रज गामनी के, और ब्रज के गांव गांव में उल्लास छाने लगा, जब ही भगवान इच्छा किए जाने की तेम ही उल्लास छाने लगा, और बिरहिनी बामनी के बाम अंग फर के, और बिरहिनी ब्रजवालाओं के बाया अंग फड़कने लगा, मतलब शुभ की सूचना होने लगी। जब भगवान आने का संकल्प कर रहे थे, विचार कर रहे थे, तो उनके बाएं अंग फड़कने लगे, बाएं जांघ, बाएं हाथ, बाएं आँख। स्त्रियों के बाम अंग जब फड़कते हैं तो ये शुभ सूचना होती है। एक पद में यह भी कहा गया है,
शेष नाग बड़े मुश्किल से पृथ्वी का लोड उठाए थे भूमंडल का, लेकिन जब भगवान जाने के लिए उत्सुक हुए तो भगवान शेष नाग घबराने लगे कि और कितना दिन भार ढोना पड़ेगा पापियों का। तो उनका सिर और दुखने लगा, कंधा दुखने लगा। पृथ्वी को वो अपने मस्तक पर लिए हैं और पृथ्वी पर भार क्या है, भार है पापी लोगों का भार, दुष्कर्म करने वाले राजाओं का भार। यदि हम मथुरा से ब्रज में चले आएंगे तो मेरा जो लोड कम होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। तो भगवान शेष नाग के गर्दन में दर्द होने लगा, अब क्या होगा। फिर भी भगवान चले, किस प्रकार से कातरता व्यक्त हुई थी इसको भी यहाँ लिखा गया है, इस किताब में है। धैर्य रह करके सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पृष्ठ 27 पर है, जब भगवान श्याम सुंदर बात कर रहे थे उद्धव जी से तो वे कहते हैं, नंद आज सुमती के प्रेम पद पावन की, नंद आज सुमती के प्रेम पद पावन की, लाल भरे लालन की लाल चल गावती, लाल भरे सुधी क्या क्या करती है विशेषता बता रहे हैं। नंद यशोमती के प्रेम पगे पालन की, नंद यशोमती के प्रेम पगे पालन की। सबसे पहले भगवान याद कर रहे हैं नंद बाबा और यशोदा मैया के प्रेम से पूर्ण पालन की सुधि आ रही है, दिला रही है सुधि। किस प्रकार से स्नेह से हमारा लोग पालन किए, पालन पालन करते पोषण, किस तरह माँ यशोदा ने हमें माखन खिलाया, दूध पिलाया, दही खिलाया, इसको पालन कहते हैं। और लाड़ भरे लालन, स्नेह से भरा हुआ लालन,
गोद में लेना, उत्तोलन करना, चुमना और कई प्रकार से लालन। तो जसोदा और नंद के लालन और पालन की हमें याद आ रही है। और रत्नाकर कभी कहते हैं कि भगवान ये कहते हैं कि सुधाकर प्रभासो मढ़ी, गोपियाँ कितनी सुंदर हैं, चंद्रमा के प्रभा